नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अपने भी कोई फसल क्षतिपूर्ति का आवेदन किया है और उसका स्थिति जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, आपके आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले कोई सर्च इंजन खोलना है। जैसे मैंने क्रोम यहाँ पर खोला है और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है DBT एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पर आपने देखा dbtagriculture.bihar.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है, सर्च करना है। सर्च करते ही आपका पेज खुलेगा। जैसे मेरा नेट स्लो चल रहा है, आप पेज जैसे कि ये पेज खुल रहा है, ये पेज खुला। और इस पेज में यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले तो इसको महत्वपूर्ण संदेश आया है, इसको आपको कट कर देना है यहाँ से। और इसमें जो सबसे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति या आवेदन प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही ये येलो कलर का एक बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको ऊपर से तीसरे नंबर में जो है लिखा हुआ इनपुट सब्सिडी रबी मौसम फरवरी माह में आवेदन की स्थिति, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पंजीकरण संख्या मांगेगा। अगर आप पंजीकरण संख्या नहीं जान रहे हैं तो अपने किसान कार्ड में जा करके पंजीकरण संख्या देखें और यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या सर्च करें। जैसे कि मेरा पंजीकरण संख्या ये रहा, मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद मेरा स्टेटस बताएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा स्टेटस बता रहा है आपका आवेदन। नीचे लिखा हुआ है आपका आवेदन ADM द्वारा मुख्यालय स्तर पर अग्रसरित कर दिया गया है और मुख्यालय स्तर पर भुगतान हेतु लंबित है। यानी मेरा आवेदन लास्ट तक पहुंच गया, लास्ट पॉइंट तक। अब भुगतान के लिए बस बचा हुआ है दोस्तों। अगर आप भी अपना पंजीकरण संख्या सर्च करते हैं और यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होता है, कुछ नहीं लिखाता है, तो समझिए आपका आवेदन रद्द कर दिया गया है। और यदि लिखता है कि आपका आवेदन कृषि समन्वयक के पास लंबित है तो समझिए कि कृषि समन्वयक से आगे आपका आवेदन नहीं गया है। कृषि समन्वयक, आपने जो आवेदन किया है वो कृषि समन्वयक के पास ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पूरा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।